वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का न्यूज है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। पुतिन की धमकी से डरे अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन वॉर पुतिन। अभी ये क्या न्यूज है ये भी देखते हैं, क्योंकि बैक एंड फोर्थ ही चल रहा है। यहां से पुतिन कुछ करते हैं, यहां से यूएसए यूके कुछ करता है, नेटो कुछ करता है, फिर यहां से कुछ आ रहा है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी धमकी का असर धमाके से भी ज्यादा होता है, ये बात रूस और यूक्रेन वॉर पर पुतिन की धमकी को लेकर कही जा सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी ने कैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जंग के मैदान से अलग थलग कर दिया, कैसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों यानी नेटो देशों की भी हिम्मत जवाब दे गई, इस रिपोर्ट में क्या हो गया। पुतिन की धमकी के आगे दुनिया बेबस। रूस और यूक्रेन की जंग में पुतिन के धमाके का असर तो हर तरफ दिख रहा है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैसे पुतिन की धमकी धमाके से भी असरदार साबित हो रही है। дальше они будут продолжать делать то, что они делают. Я уже тоже об этом говорил. Они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. पुतिन ने यह भी कहा था कि दुनिया के जो भी देश यूक्रेन को हथियार देंगे या रूस के खिलाफ सैन्य मदद देंगे, वो सभी रूस के दुश्मन बनेंगे, यानी रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतिन की इस धमकी का असर ये हुआ कि पड़ोसी पोलैंड ने भी यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने से मना कर दिया, जबकि दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने पोलैंड को कहा था कि वो यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान दे, बदले में उसे अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान देगा। वही बातों से यूक्रेन के साथ खड़े नेटो और यूरोपीय यूनियन सैन्य मदद के नाम पर पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। नेटो ने ज़ेलेंस्की की गुहार के बाद भी यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से मना कर दी, जबकि ज़ेलेंस्की हर दिन पश्चिमी देशों के आगे मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं और मदद नहीं मिलने पर पश्चिमी देशों को लताड़ भी रहे हैं, लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। Сьогодні відбувся саміт НАТО, слабкий саміт, розгублений саміт, саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас, через вашу слабкість, через вашу роз'єднання. Пакшімі дешоні, Зеленський кібат не гімані. Ульте Зеленський ко Юкрейн чолкарані кі саладіт. अमेरिका ने कहा कि ज़ेलेंस्की चाहें तो यूक्रेन छोड़ सकते, लेकिन ज़ेलेंस्की को पीठ दिखाकर अपने देश से भागना मंजूर नहीं। Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні жертв, тисячі і тисячі страждань, і Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи. И замість прощеного буде судний день. जहां तक पुतिन का सवाल है, तो उन्होंने पश्चिमी देशों को यह भी बता दिया है कि अगर उन्होंने रूस को तबाह करने जैसा कदम उठाया तो रूस परमाणु हमले से चूकेगा नहीं। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में है और पश्चिमी देश उसकी मदद कर रहे हैं, और रूस की लड़ाई सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए है। А там из-за океана ещё помогут это сделать. А потом скажут, что мы ядерного статуса не признаем, это сделали сами, поставят эти комплексы под контроль, и с этой секунды, вот с этой самой секунды, судьба России будет совсем иной. Потому что тогда нашим противникам стратегическим и не нужно даже иметь баллистические ракеты межконтинентальной дальности. Вот здесь прямо будут держать нас на мушке на ядерной, и все. Но как же мы можем пройти мимо всего этого? पश्चिमी देशों को लेकर पुतिन कितनी दूर तक सोचते हैं, ये बात उनके बयान को सुनकर ही आप समझ गए होंगे। अब सवाल है कि पश्चिमी देश क्या करेंगे? ज़ेलेंस्की को इसी तरह मरने के लिए छोड़ देंगे, या फिर पुतिन की शर्तें मानने के लिए
जेलेंस्की को तैयार करेंगे। जो भी हो, अब तय अमेरिका और यूक्रेन को करना है। पुतिन तो पहले से तय कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फ्रेंड्स, देखो भाई, यूएसए जो है वो वॉर के अंदर नहीं उतरेगा और यही समझदारी है मेरे हिसाब से तो, और सब अगर सोचें तो यही समझदारी है कि यूएसए नहीं घुसे, क्योंकि अगर यूएसए या नेटो घुस गया तो वर्ल्ड वॉर थ्री है, और वर्ल्ड वॉर थ्री का मतलब है कोई कंट्री ये नहीं बोल सके कि हम न्यूट्रल है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से वो पार्टिसिपेट उसको करना ही पड़ेगा, एक साइड चूज करनी पड़ेगी। और वर्ल्ड वॉर थ्री का मतलब है कि कोई नहीं बचेगा, टोटल वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन। तो इसी वजह से जब पुतिन इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि भैया अगर तुमने यहाँ पे नो फ्लाई जोन किया तो इसका मतलब ये तुम्हारा एक्ट ऑफ वॉर है और तुमने भी तुम इस वॉर में आ गए हो, मतलब अब हम तुमसे भी लड़ेंगे, तो वो जब ये सब बोलते हैं तो वो समझदारी तो यही है ना कि आप फिर वो मत करो, आप उसको उसको करने के लिए जो भी है आप उसको वो ना करके आप दूसरे वैसे करो। अब जैसे सैंक्शंस लगाए, तो अगर आप सैंक्शंस लगा रहे हो तो उनको फिर प्रॉब्लम होती है, फिर वो कुछ बोलते हैं फिर कुछ करते हैं, तो फिर यहां से क्या जवाब आता है। अभी जो है कि उन्होंने ऑयल ही बैन कर दिया, कि भैया यूएसए ने कह दिया हम ऑयल नहीं लेंगे, चाहे हमें हम लोगों को हम अमेरिकन्स को जो है चाहे महंगाई का सामना करना पड़े पर हम महंगाई का सामना करेंगे, पर यूक्रेन के ऊपर जिस तरह से अटैक हो रहा है उसके लिए हम पैसे जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली खरीदने की वजह से जो रशिया के पास जा रहे हैं वो हम एज अमेरिकन्स नहीं करेंगे, उनकी जो स्पीच थी वो ये बोल रही थी। तो वही सब है कि लड़ने की जगह वो दूसरे वे से कर रहे हैं ताकि पुतिन को कोई वजह ना मिल जाए कि पूरा वर्ल्ड वॉर थ्री कर दे, क्योंकि पुतिन को तो अब इस टाइम उनका तो माइंड है कि बस लड़ना है, और जैसे कह रहे हैं कि भैया अगर मुझे न्यूक्लियर भी यूज करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। तो जब ऐसी स्टेटमेंट कोई दे रहा है तो क्या करेगा पूरा वर्ल्ड, तो यही कोशिश है कि भैया इनडायरेक्टली करें ताकि कोई वजह ना मिले उनको। राइट, देखिए ये बहुत समझदारी वाली बात है कि यूएसए वॉर में नहीं जा रहा, अगर यूएसए वॉर में जाता है तो वर्ल्ड वॉर थ्री होगी और फिर सभी देशों में कोई बचेगा नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरा, यूएसए कोशिश कर रहा है कि उनकी फंडिंग कट हो, उनके पास पैसा ही ना हो वॉर को चलाने का, उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए ये सब सैंक्शन आ रहे हैं। अब ऑयल का इंपोर्ट बंद हो गया तो उससे रशिया को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, अगर वो यूक्रेन को कब्जा भी कर लेता है ये भी कर लेता तो भी रशिया की इकोनॉमिकली इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी कि अब वो इतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, इकॉनमी के हिसाब से पैसे के हिसाब से उसका पैसा बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहे कुछ भी एंगल देखें उसमें रशिया को तो हर्ट होगा ही, क्योंकि रशिया ने शुरू की थी ये वॉर, इसलिए अनफॉर्चुनेटली रशिया को हर्ट होगा क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, जैसे कई इस टाइप के वीडियोस आ रहे हैं कि यूएस डर गया, तो क्या रियली वर्ल्ड चाहता है कि यूएस भी जवाब दे मिलिटरली, क्या रियली वो चाहते हैं कि यूएसए भी जाए फिर, मतलब रियली लोग चाहते हैं कि हाँ भाई वर्ल्ड वॉर थ्री होनी चाहिए और सभी लोग मर जाएं, मतलब ये चाहते हैं क्या? तो दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा। जैसे कई लोग बोलते हैं डर गया, तो आप चाहते क्या है कि ना डरे का मतलब क्या करें, वॉर करें तो वर्ल्ड वॉर थ्री हो जाए, तो मतलब इंडिया को के लोगों को भी प्रॉब्लम आए, यही चाहते हैं ये? कौन ऐसा मतलब कोई मतलब आप कह सकते हैं बचपने जिसका ब्रेन बिल्कुल बचपने वाला हो जो बोलेगा कि हाँ भाई वर्ल्ड वॉर थ्री हो जाए, यूएसए आ जाए इस वॉर के? कोई समझदार इंसान कभी नहीं कह सकता कि वर्ल्ड वॉर थ्री होनी चाहिए, वो उसको ये होना चाहिए कि पीसफुली आप सॉल्व कर लो प्रॉब्लम को, तो ये सही होना चाहिए। मगर अभी जो सैंक्शन हो रहे हैं सॉफ्ट हो रहे हैं वो सही है, और ये बात भी सही है। अभी जो एयरक्राफ्ट की बात हुई थी उसमें पहले था कि पोलैंड ने उनको रशियन प्लेन्स देने थे, रशियन प्लेन्स आप पता लगा क्यों दे रहे थे, वो सिर्फ दे रहे थे क्योंकि प्लेन्स आपको वो देने हैं जो यूक्रेन के लोग उड़ा सकें, अगर आप उनको अमेरिकन प्लेन्स दे दें उनको तो आते नहीं उड़ाने तो फिर क्या करेंगे, तो इसलिए एक पॉइंट था कि रशियन यूएसएसआर या सोवियत एरा के आप प्लेन्स उनको दे दो जिससे वो उड़ा तो पाए उनको। अब क्वेश्चन ये था कि पोलैंड ने उनको देने थे और उसके बाद यूएस ने F-16 पोलैंड को देने थे, अब पोलैंड ये बोल रहा है नहीं मैं जो प्लेन्स हूं तुम यूएसए के जो एयरबेस है जर्मनी में वहां भेजूंगा फिर तुम यूक्रेन को दे देना, क्योंकि वो उनको ये है ना कि हमारे यहां से हुआ, क्योंकि पुतिन ने अब ये बोल दिया कि जो अगर तुमने प्लेन भेजे तो मतलब तुम उस वॉर में आ गए हो। करेक्ट, ऐसा कुछ तो अब वो पोलैंड चाहता है कि हम यूएसए को दे देंगे क्योंकि वॉर में नहीं, नियरेस्ट जो यूएसए का एयरबेस है जर्मनी में वहां दे देंगे, फिर यूएसए जो है वो दे सकता है अपने एयरप्लेन रशिया को, मतलब सॉरी यूक्रेन को।
दे सकता है। तो यहां एक प्रॉब्लम आ गई है। यूएसए कह रहा है देखो भैया तुमसे कॉन्ट्रैक्ट ये था कि तुम जो हो तुमने बोला था कि तुम्हें जो है ये प्रॉब्लम है कि बाद में तुम्हारे पे भी अटैक कर सकते हैं। तो रशिया तो बोल रहा है ये तुम्हारा अपना सेफ्टी का कंसर्न है, अगर तुम्हें लगता है कि यूक्रेन के बाद तुम्हारे पे अटैक करेंगे और तुम चाहते हो कि यूक्रेन ना डूबे तो तुम्हें ही कार्यवाही करनी पड़ेगी जो तुम करने चाहते हो। तो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, मगर एक बात गारंटेड है कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होनी चाहिए। पर जिस तरह से होता जा रहा है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एस्केलेट हो रहा है। और जो भी इंसान कह रहा है कि नहीं नहीं यूएसए को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, शायद उसे समझ नहीं आ रहा कि उससे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है और उससे पूरी हो जाएगी, इंडिया को, तो कुछ रोक ही नहीं सकते, इंडिया के लोगों को भी खतरा होगा, सबको होगा, सारे वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फटने लगे जगह जगह फिर कोई बचेगा नहीं। तो वो समझदार इंसान कभी भी इस तरीके इस डायरेक्शन में नहीं, कोशिश यही करनी चाहिए कि दोनों साइड्स को बोलो भैया कुछ आप टॉक्स कर लो, लड़ाई बंद करो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो नेटो हो, बातचीत करके इसको संभालने की कोशिश करनी चाहिए। पर यह है कि किसी का पूरा नहीं हो सकता कि बस हमारी बात मानी जाए, तो कोई एक मिड में आना चाहिए। चलो देखते हैं, अभी तो और हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, ये तो जो कर रहे हैं मेन वही पिससे पिसेगा आम इंसान, मैं तो हर बार यही बोलती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।